आई ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर टाइम रिक्वायर टाइम. टुडे इज 8th of July 2022. लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल. देन दिस इज क्विज नंबर 68 एनवायरमेंट. कश्मीर स्टैग हंगुल दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में ये मिलता है. नेशनल पार्क इन इंडिया जो फ्लोटिंग है उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर. हेरिडिटरी पैटर्न होता है म्यूटाजेन. वो केमिकल होते हैं जो इस पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC रेफ्रिजरेशन में यूज होता था. इससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है. दिस इज द कल्प्रिट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. कैडमियम पॉइजनिंग से जापान में दिस डिसीज इताई डिसीज का स्प्रेड हुआ था. आज क्विज नंबर 69 इकोनॉमिक्स है. द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग आफ्टर री इवेलुएटिंग एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे. विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट व्यूड एज अ नेशनल डेट. देन दिस इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है. ये चार ऑप्शंस हैं. बजट डेफिसिट क्या होता है. दीज आर द फोर ऑप्शंस. इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर व्हाट. डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग. ये किस लिए की जाती है. दिस इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी का पहला वर्ड है फ्यूटिलिटी. फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, निरर्थक, पॉइंटलेस और यूजलेस. पैल्पेबल का मतलब होता है वो स्पष्ट है. सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल. परसेप्टेबल है, विजिबल है. क्यूक्सोटिक का मतलब होता है विलक्षण. एक्सीडिंगली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एंड एट टाइम्स इम्प्रैक्टिकल. हम इसको विजनरी भी बोल सकते हैं. एमनेस्टी का मतलब होता है आम माफ़ी. एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कॉन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस. बिगेट का मतलब होता है टू गिव राइज टू ब्रिंग अबाउट, उत्पन्न करना, कॉज, गिव राइज टू, लीड टू. सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज सी सैट. ये पहला पैराग्राफ है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चन. 45% पॉपुलेशन परसेंटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. वेन डायग्राम से बनाना आसान रहेगा. देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस. देन दिस इज न्यूज़ बाइट्स नंबर 12. पहला जो न्यूज़ बाइट्स है वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का. अनएम्प्लॉयमेंट इसके ये चार टाइप हैं यहाँ पे. स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल और वल्नरेबल. स्ट्रक्चरल का मतलब होता है जैसे शब्द में ही लिखा है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम हो रही है, क्रोनिक प्रॉब्लम हो रही है. ये वो कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर मिसमैच हो गया है जॉब्स जो अवेलेबल हैं और उनके लिए जो स्किल्स चाहिए वर्कफोर्स में. तो जॉब्स के लिए जो स्किल चाहिए वो वर्कफोर्स में अवेलेबल ही नहीं है. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है. सो दिस इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. मैनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट अ जॉब ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विजिट स्किल्स एंड ड्यू टू पुअर एजुकेशन लेवल एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेन देम. सो जॉब्स हैं बट उस जॉब्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है. तो दैट इज़ वाई स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. स्किल डेवलपमेंट से इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सकता है. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि साइकिल, बिजनेस में साइकिल आता है, बूम आता है, फिर लो फेस आता है, लाइक दैट. तो ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे कि रिसेशन के टाइम पे आया या फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो गई है. तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पर ज़्यादा होता है. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब गैप हो रहा है. अगर आप जैसे जॉब स्विच कर रहे हो तो बीच में जो गैप हो गया दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल. You are searching for a new job, switching between the jobs, तो जो बीच में gap है that is frictional unemployment. Okay? ये usually voluntary unemployment भी हो सकता है. Shortages of jobs हैं, then you are trying to find a new job, so this is frictional. Vulnerable unemployment बोलेंगे जब मतलब जो working informally है without proper job contracts and thus कोई legal protection उन्हें नहीं है. ये जो लोग होते हैं वो डीम्ड अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज सिंस रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन्ड. तो कहने को वो काम कर रहे हैं बट उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन्ड नहीं है, वो वल्नरेबल है. तो इंडिया में वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है.
एक वर्ड और होता है, वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब होता है, टेल, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, किस सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा विजिबल है। ओके, सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अमृत महोत्सव है, एयरफोर्स का टैग होता है नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। ये जो कोट है ये लिया गया है 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, व्हेन लॉर्ड कृष्णा शोज हिज सुप्रीम डिवाइन फॉर्म टू अर्जुन बाय रीचिंग द स्काई विद ग्लोरी। सो मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। देन नॉर्थ ईस्ट में अभी चलेगा द्री फेस्टिवल, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। सो वार्म ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द्री फेस्टिवल। सो दिस इज न्यूज बाइट्स नंबर 12। 8th ऑफ जुलाई है, 8th ऑफ जुलाई में ये आज के तीन सवाल हैं। पहला सवाल PYQ है, इंडिया हाईली वल्नरेबल है रिवराइन फ्लड्स के लिए। अभी फ्लड्स का कितना डिफिकल्टी देखा नॉर्थ ईस्ट में, इवन सेंट्रल इंडिया, गैंगेटिक प्लेन, इवन साउथ में भी। सो इंडिया हाईली वल्नरेबल है रिवराइन फ्लड्स के लिए, डिस्कस द कॉजेज इम्पैक्ट्स ऑफ सच फ्लड्स इन इंडिया। इसमें तीन पार्ट हैं सवाल, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट कॉजेज और तीसरा पार्ट इम्पैक्ट, तीनों पार्ट को एड्रेस करिए। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, एलैबोरेट विद एग्जांपल। अब इसके मल्टीपल इंटरप्रटेशन आप कर सकते हो, इट इज़ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल इंटरप्रटेशन अप्रोच इज पॉसिबल, बट जो भी इंटरप्रटेशन है आपका इस सवाल का, जो भी आंसर है आपका, उसको एलैबोरेट जरूर करना है और एग्जाम्पल से बैक करना है। तो ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू डू राइट दिस क्वेश्चन। थर्ड है, ड्रॉ अ नीट मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया का मैप बनाना आपको आना चाहिए और वर्ल्ड का भी। देन आप अपने आंसर्स को वेबसाइट में जाकर अपलोड कर सकते हैं, srajanindia.in। जैसे 6th ऑफ जुलाई का आज हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ डिस्कस इनेबल्ड है, आपको लॉग इन करना है बाय योर गूगल अकाउंट और ज्वाइन द डिस्कशन में जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसके फोटो क्लिक करके अपलोड करना है, दैट्स ऑल। जैसे सोशल मीडिया साइट फेसबुक एट्सेट्रा में अपलोड करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, वेरी इजी। जो फोटो का साइज है वो लेस देन 5 MB होना चाहिए, बहुत ह्यूज साइज नहीं होना चाहिए, लेस देन 5 MB। और आपको बहुत बार बार रिपीटेटिव भी नहीं करना है कि यू आर ट्राइंग एंड नहीं हो रहा है, तो टेक अ ब्रेक, आफ्टर सम टाइम ट्राई अगेन, बिकॉज अगर हम लगातार ट्राई करते हैं तो वो इसको डिस्कस का स्पैम फिल्टर इनेबल हो जाता है और फिर वो आपको कन्फर्मेशन एट्सेट्रा पूछने लग जाता है। सो अगर ऐसा डिफिकल्टी आ रहा है, जस्ट क्लोज द ब्राउजर, क्लियर योर हिस्ट्री एंड आफ्टर सम टाइम ट्राई अगेन, यू विल बी एबल टू अपलोड योर आंसर्स। ओके, सो जैसे कि ये सबमिशंस हैं, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। ओके, सो दो सवाल थे यहाँ पे, एक तो इंडियन सोसाइटी यूनिक क्यों है और ब्रिटिश इंपीरियल पावर 1940s। अब देखो कंटेंट का आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, इंटरनेट है आपके पास, स्टैंडर्ड बुक्स है, रेफर करिए और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट कलेक्ट करिए और बेस्ट टू बेस्ट वे में उसको लिखने की कोशिश करिए, दिस इज एन ओपन बुक थिंग। व्हाट इनिशियली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हमें पहले लिखना है कि कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे राइटिंग ठीक करना है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कंटेंट तो अपने आप करेक्ट हो ही जाएगा, पर ये जो बेसिक आदतें हैं ये शुरू में ही पड़ती है, तो दैट उन स्टेप्स पे हम पहले फोकस कर रहे हैं। तो देखो विशाल ने कितना अच्छा आंसर लिखा, सी राइटिंग कितना अच्छा है, दिस इज मैप, मैप भी बना दिया यहाँ पे, दिस इज सो गुड, मैप होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी तो वन बाय वन पैराग्राफ में किया, फिर ऐसा एक डायग्राम भी बनाया, दिस इज सो गुड, ऑलराइट। फिर जैसे यहाँ पे बनाया, अब इस टाइप का हमें नहीं करना है, जस्ट सिंगल एक लाइन से कट करें। तो इनिशियली हम ये बस हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं कि कैसे लिखना है हमें, कैसे नीट एंड क्लीन लिखना है, डायग्राम्स, डेटा, फैक्ट्स, स्ट्रक्चर, हेडिंग, सब हेडिंग, इन सबको कैसे फिक्स करना है। आफ्टर दैट फिर कंटेंट तो ऑटोमेटिकली स्पीड एट्सेट्रा इम्प्रूव हो जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस, वेरी गुड। अब ये वर्ड हिस्ट्री तो सिलेबस भी कनेक्ट किया यहाँ पे, है ना, ट्रांसफर ऑफ पावर, इंडिया का नेशनल मूवमेंट। अब सी सारा हेडिंग वाइज दिया, सब हेडिंग वाइज, दिस इज़ रियली रियली गुड। तो लर्न, हर कॉपी से हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है, लर्न। नंदिनी ने भी बहुत अच्छे से पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, ज्योग्राफिकल, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, हिमालय, सी सो गुड, पॉइंट वाइज सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, गुड। देन एजुकेशन का भी पॉइंट है यहाँ पे, वेरी नाइस। श्रवण ने हिंदी में लिखा है, तो यस आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं, सी दिस इज़ रियली गुड। भारतीय समाज 1, 2, 3, 4, फिर बीच में एक डायग्राम भी होना चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ फैक्ट होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज आप लिखो, वेरी गुड।
सपना दिस इज अगेन सो गुड, सी दिस स्टाइल इज सो गुड, हेडिंग है, अंडरलाइन है, लुक एट द कॉपी, नीट एंड क्लीन दिख रही है ना ये कॉपी, दिस इज अ गुड कॉपी. श्रवण दिस इज अगेन रियली रियली गुड, अब सी दिस स्टाइल इज रियली गुड, वेरी गुड, दिस इज रियली रियली गुड आंसर. संधु, संधु ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सी पैराग्राफ फिर फैक्टर, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे आंसर का, विच इज इंपॉर्टेंट, गुड. प्रपोजल्स 1, 2, 3, 4, वेरी नाइस, स्ट्रक्चर्ड है, दिस इज रियली रियली गुड. तो शुरुआत में इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है हमें, पहले आप वन बाय वन लिखो, पॉइंट के नंबर्स लिखो, उमा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है ना, फिर सारे हेडिंग स्पेसिंग का ध्यान दो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें हम, वेरी नाइस, दिस इज़ गुड. बाकी राइटिंग प्रेजेंटेशन जितना हम लिखेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, सो दिस इज़ नो ब्रेनर, ये हमें डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर. अब जैसे अयान का कॉपी देखो, ही इज़ सो गुड, कितने अच्छे से यहाँ पे लिखा है, वासुदेव कुटुंबकम क्या है, सी द क्वालिटी, सी द प्रेजेंटेशन स्टाइल कितना अच्छा है, एवरीथिंग इज़ सो नीट एंड क्लीन, पढ़ने में कितना आसानी से आ रहा है, लर्न दिस थिंग, वेरी गुड अयान, दिस इज सो गुड, कॉन्टेंट भी अच्छा है एंड योर कॉपी इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस. ठाकुर दिस इज अगेन सो गुड, सी सारे पॉइंट्स लिखे, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन पॉइंटर्स हैं, क्वेश्चन, सी दिस स्टाइल इज गुड, फ्लो बना दिया, टाइमलाइन बना दिया जो जरूरी था 1940s डेकेड को बताने के लिए. देन दिस इज सतेंद्र, एक्सलेंट कॉपी, सी द राइटिंग, अब प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 1, 2, 3, 4, एक्सलेंट, वेरी गुड. देन सुमन, सुमन का भी हैंड राइटिंग देखो एंड प्रेजेंटेशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉपी, जॉइंट फैमिली, दिस पॉइंट्स, अब हर चीज़ पे एग्जाम्पल्स दो, कुछ भी बोलना है उसको बैक बाय एग्जाम्पल ज़रूर करना है, वेरी गुड, दिस इज़ गुड. ऑगस्ट ऑफर वन बाय वन बताया, यहाँ हम एक टाइमलाइन भी बना सकते थे थोड़ा और इलेबोरेट करके, गुड. रत्नाप्रिया दिस इज़ अगेन वेरी गुड, वासुदेव कुटुंबकम, अब सी दिस स्टाइल इज़ गुड. तो जब हम ऐसे खुद से लिखेंगे चीज़ें ज़्यादा याद होगी, कंसंट्रेशन होगा और एक ठहराव आता है, वरना ये जो इंस्टेंट जनरेशन है इतना डिजिटल कंटेंट है, स्टेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ व्हाई आई एम्फेसाइज सो मच राइट राइट, लिखो पेन एंड पेपर, ओल्ड स्कूल इज़ अ गुड स्कूल. ओके सतेंद्र दिस इज़ अगेन रियली रियली गुड, सी द राइटिंग सो गुड, वेरी नाइस. एंड आरती एक्सलेंट वर्क, मैप बनाया है, सी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल्स वेरी नाइस वेरी वेरी गुड. देन दिस इज इम्पीरियल पावर, पॉइंटर्स दिए, गुड. आप आंसर लिख रहे हो, आप ऑलरेडी 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बेटर हो. बातें बनाना बहुत आसान होता है, लिखना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल में. ओके सो बस अब इसको रिफाइन करो और डे बाय डे इम्प्रूव करते जाओ, यू विल सी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट विद इन अ मंथ्स टाइम. ओके नाउ दिस इज 7th of July, 7th of July में भी कमेंट्स भी, सी कितने अच्छे से आप सारी चीज़ें समराइज कर रहे हो, वीडियो भी अटेंटिव होके सुन रहे हो, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट, दिस इज अगेन अ रियली गुड एक्सरसाइज. टेराकोटा, इससे रिलेटेड समीर ने सारे रेलेवेंट फैक्ट्स बताए, वेरी गुड साइंस एंड टेक. सपना वोकैबुलरी एक्सीलेंट वर्क. देन अर्चना, सी टेराकोटा क्या होता है, AIIB के डेटा हो गए, NDB का हो गया, फाउंडेशन अग्रीमेंट जो हो गए, तो सी हमने कितने सप्लीमेंट्री चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली, यही चीज़ एक्चुअली में रियल एग्जाम में काम आती है, स्टूडेंट में प्रोएक्टिवनेस होना जरूरी है. बुद्धिज्म दिस इज सो गुड वेरी गुड, 8-fold path सब रिवाइज हो गया, राज्यसभा भी हो गया, एक्सीलेंट. मालदा, देन सुंदर, टेराकोटा, मालदा एंड दिस शॉर्ट नोट, अजय एक्सीलेंट वर्क, सी पूरा बुद्धिज्म रिवाइज हो गया और बुद्धिज्म हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राम नरेश एक्सीलेंट वर्क, साक्षी वंस अगेन क्वालिटी वर्क, दिस इज गुड. टेराकोटा, NDB, AIIB, US, तो सी द सप्लीमेंट्री नॉलेज गेन, दिस इज व्हाट वी वांट, कि हम खुद से भी एफर्ट्स करके चीज़ों को सीखें, चीज़ों को हम अपने एंड से भी एफर्ट्स डालें, दिस इज रिक्वायर्ड, ये स्पून फीडिंग का एग्जाम नहीं है. ओके देन दिस इज कीर्ति, दिस इज रियली गुड, CSAT, AIIB, वेरी नाइस. एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान नजर आएगी. ओके देन दिस इज सुंदर, वेरी गुड. सौम्या दिस इज सो गुड, CSAT भी है एंड दिस क्विज भी है, वेरी गुड. देन दिस इज कीर्ति, बुद्धिज्म, देन वेरी गुड, यू आर ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड. नंदिनी, सुंदर, अजय, रत्नाप्रिया, नंदिनी, प्रज्ञा, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा बताया. देन सी अभी जैसे मैंने बताया 5 MB से कम होना चाहिए. राज वेरी गुड, HQ एक्सीलेंट, सी सच अ नाइस पोस्ट, वेरी वेरी गुड.
5 MB से अगर ज़्यादा पोस्ट हो रहा है तो आप उसको से करो, अपने को व्हाट्सएप सेंड कर दो उसे, व्हाट्सएप अपने आप उसको कंप्रेस कर देगा और वो आपका 10 MB का पिक्चर 1 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज 8th of July 2022। आज के ये 3 सवाल है। अगेन गो टू वेबसाइट एंड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स। मंडे टू थर्सडे एवरी डे हमने अराउंड 3 आवर्स का क्लास हुआ, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे जो है और सैटरडे संडे प्राइमरली थोड़े 1-to-1 सेशंस को हम फोकस करते हैं बिकॉज थोड़ा लैग हो रहा है अंडरस्टैंड, और थोड़े कुछ टेक्निकल जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट करते हैं। मंडे से हम अगेन फुल थ्रॉटल ग्रुप क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे और इन 3 दिन में मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सेशंस आई विल ट्राई टू कवर। ओके, सो लेट अस डू दिस थिंग। अभी भी हम बहुत ऑन ट्रैक हैं, स्पेशली जो प्रीलिम्स 2023 बैच है, यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम और हम बहुत स्पीड से कर रहे हैं। कुछ लोगों की जो क्लासेस मिस हो गई है मंडे टू थर्सडे, तो मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन लेते हैं और इस मंडे टू थर्सडे में जो हमने प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उसको मैं 1-2 घंटे में बहुत अच्छे से रिवाइज करा दूंगा यहाँ पे। ओके, गिव मी टाइम, सैटरडे या संडे को हम एक क्लास लेंगे प्रीलिम्स 2023 बैच का। ओके, तो दिस वी विल डू, मैं आपको कल तक इन्फॉर्म करता हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है या जिनका मिस हो गया है उनको मैं पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा। ओके, सो दिस इज फ्राइडे July 8th और मेंस डू नॉट वरी, आप प्रायोरिटी में हो। सबसे पहले हम जुलाई और अगस्त में आपका पूरा सिलेबस एवरीथिंग वी विल कवर। ओके, या सो दिस इज फ्राइडे, लेट अस बिगिन विद दिस न्यूज़पेपर। फर्स्ट है बोरिस जॉनसन रिजाइंस एज प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल ड्रामा एंड्स इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन ने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। 10 Downing Street, सो दिस इज देयर, लेट अस सी अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं। बाली मीटिंग में विद मिस्टर वैंग हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब रेजेज LAC इशूज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया चाइना का जो अभी हुआ, दलाई लामा जी का बर्थडे था, दलाई लामा जी बहुत रेस्पेक्टेड फिगर है इंडिया में, तो इनको बर्थडे विशेस भी दिया। चाइना ऑब्वियसली इससे ऑफेंड फील करता है, तो दिस इज़ दैट। तो लुकिंग अहेड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया में अभी G20 का समिट होने वाला है। G20 मतलब वर्ल्ड की टॉप 20 लीडिंग इकोनॉमीज। इसका मतलब यहाँ रशिया भी होगा, इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, USA भी होगा। तो USA ग्रुप एंड रशिया सेम प्लेटफॉर्म में आने में दे विल हैव सम एप्रिहेंशन। सो इस बार ऐसा चांसेस है कि G20 मीटिंग बाली में जो है इसमें बहुत सारे कंट्रीज इसको मिस भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई जो जोको विडोडो है, ही वॉज लाइक ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज को कि G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है। कल हमने जो आर्टिकल पढ़ा था NAM का, उसमें ये बहुत अच्छे से बताया था। इंडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज इंडिया के कॉर्डियल रिलेशंस हैं रशिया के साथ, इंडिया के कॉर्डियल रिलेशन है USA ग्रुप के साथ, इवन चाइना के साथ भी वी आर हैविंग कॉर्डियल रिलेशन डिस्पाइट सो मेनी टेंशंस, जैसे कि LAC क्राइसिस हुआ है। इंडिया ने यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी और इवन चाइना के साथ भी, उसको यहाँ पर क्लियरली मैंशन भी किया गया है और जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हैं उस पर एम्फेसिस करने की बात की है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। EAM ने कहा अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख, डिसएंगेजमेंट हो फ्रिक्शन एरिया में दिस मीटिंग एंड एट्सेट्रा के साथ, डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशन हो वहाँ पे, ये चीज़ अभी हमारी प्रायोरिटी है। पीस, वी लव पीस, हमको पीस रीस्टोर करना है, ट्रैंक्विलिटी भी बॉर्डर पे लाना है, बट हम इंडियन इंटरेस्ट से किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ दैट। देन सेकेंड जो अभी एक और न्यूज़ आ रहा है वो चाइना की इकोनॉमी और इसमें जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की बात होती है, जैसे अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सर्च किया था चाइनीज़ कंपनी वीवो इन इंडिया कि इन्होंने मैल प्रैक्टिस किया ऑपरेशन में। अब मिस्टर वैंगी के भी स्टेटमेंट्स हैं कि स्ट्रेंथन करें कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, जॉइंटली प्रमोट करें डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल रिलेशन, फेयर हो इंटरनेशनल ऑर्डर, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक्सचेंजेस होना चाहिए और जो डिफरेंसेस है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना ज़रूरी है। सो ये बात है इंडिया एंड चाइना। अब चाइना और इंडिया ये दोनों एंशियंट सिविलाइजेशन हैं एंड ह्यूज कंट्रीज़ हैं,
एशिया का ये जनरेशन है, दिस जनरेशन, दिस एरा, दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, और यहाँ इंडिया भी रहेगा और यहाँ चाइना भी है, एंड बोथ आर नेबर्स. सो दैट इज़ वाई यहाँ अक्सर कोशिश की जाती है कि कॉर्डली जो डिफरेंसेस है उसको दूर करें, एंड दिस बॉर्डर इश्यूज एट्सेट्रा, एंड कॉमन इंटरेस्ट से हम यहाँ पे आगे बढ़ें. ओके, सो दिस इज दिस मीटिंग, G20 मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अगेन हम डिटेल में आगे देखेंगे. ओके ओके, सो नाउ दिस इज द थर्ड टॉपिक. दिस इज अबाउट मॉनसून गेटिंग हॉटर देन समर. Average temperature during the season are 0.3 degree Celsius higher than the average summer figure. तो global warming is a fact. Climate जो है वो warm हो रहा है और global temperature बढ़ रहा है. इसके कारण बहुत सारे जो anthropogenic changes हैं, anthropogenic led है ये changes. इसके कारण environment में जो चेंजेस हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं या फिर जो सीजन्स हैं उनका पैटर्न चेंज हो गया है, मॉनसून का भी इवन टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न चेंज हो गया है, ये डिफ़िकल्टीज हमें देखने को मिल रही है. इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है 0.62 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 1901 से लेके 2020 तक. ये डेटा दिया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने. This year also India saw record pre-monsoon temperature in the northern and western regions in the absence of rain. So this is again climate catastrophe. Heat waves जो हैं वो common होती जा रही हैं. Heat wave से human life loss भी होता है और जो agriculture है, agriculture का production भी impact हो रहा है. जैसे इस बार monsoon late आया तो wheat production जो है, वीट प्रोडक्शन मॉनसून और प्री मॉनसून के पहले, मतलब वीट इज़ अ टेम्परेट क्रॉप, प्री मॉनसून में भी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा था तो वीट का प्रोडक्शन इस बार इम्पैक्ट हुआ है. प्लस अभी मॉनसून जब आ रहा है तो इसमें भी जैसे स्पेटियल एंड टेम्पोरल चेंजेस आ रहे हैं तो खारिफ क्रॉप में भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है. सो दिस इज चेंजिंग क्लाइमेट. हैवी रेन बैटर्स कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट. अब सी, कभी बहुत बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, और बारिश हो रही है तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ ही एरिया में, एंड इससे होता है दिस फ्लड लाइक सिचुएशन. तो अर्बन मिसमैनेजमेंट प्लानिंग भी एक प्रॉब्लम है, बट एक्सेसिव रेनफॉल होने के कारण सच टाइप ऑफ सीन्स नॉट ओनली कर्नाटका, हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर में इस टाइप के सीन्स बड़े कॉमन हो गए. सी, मॉनसून फ्यूरी ग्रिप्स मैनी पार्ट ऑफ केरला, पार्ट्स ऑफ केरला टू. ओके, सो दिस इज मॉनसून एंड क्लाइमेट. दिस इज टेकिंग एम. ये 7th इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो है प्रगति मैदान दिल्ली में, 2 दिन का एग्जीबिशन है. मॉडर्न पुलिसिंग, हाईटेक ड्रोन्स, ई पेट्रोलिंग, ऐसी चीज़ों का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है टू बीट ऑफिसर. इफ़ यू गेट टाइम डू विजिट दिस एक्सपो. यहाँ पे पुलिसिंग रिलेटेड काफ़ी अच्छा यहाँ पे नॉलेज आपको मिल सकता है. सो दिस इज टेकिंग एम. Then this is plastic cups, straws still in use in capital despite SUP ban. Actually क्या होता है, ban जब लगता है, but जैसे हमने 1st of July को ban लगाया, but बहुत सारे जो street vendors हैं उनके पास stock रखा हुआ है तो वो उस stock को just like that discard नहीं कर सकते, वरना financial उनको बहुत difficulty आ जाती है. This is a practical reason. तो अभी भी आपको street carts में, street food में, या फिर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका यूजेज देखने को मिल सकता है. जैसे यहाँ पे कोकोनट वाटर सेलर ने बताया कि जब बैन लगा तब से उसके पास ऑलरेडी 1000 रुपये का प्लास्टिक कप, पाइप, स्ट्रॉज एट्सेट्रा उसने खरीद रखा था. अब वो उसको डिस्कार्ड नहीं कर पाएगा, इन फ्यूचर वो पेपर कप्स में स्विच करेगा, ऐसा आर्ग्यूमेंट है. तो दिस इज़ अगेन अ प्रैक्टिकल थिंग. बाकी 19 से ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है. ये 19 क्या आइटम्स हैं, जैसे कि ईयरबड्स हुआ, प्लास्टिक स्टिक फॉर बलून्स हुआ, फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टायरीन, थर्मोकोल, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फोक, स्पून, नाइव्स, स्ट्रॉ, ट्रे, रैपिंग, पैकेजिंग फिल्म, स्वीट बॉक्सेस के अराउंड जो है फिल्म्स, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट, प्लास्टिक और पीवीसी बैनर जो 100 माइक्रोन से कम है, एंड दिस. तो ऐसे करके सिंगल यूज प्लास्टिक के इन 19 आइटम्स को 1st of July से बैन कर दिया गया है. Then this is editorial. First editorial है just fine. Environment में अगर कोई क्राइम होता है, environment को डैमेज किया जाता है, तो वहाँ जो पनिशमेंट मिलता है वो किस डिग्री का होना चाहिए, क्या वहाँ पे जेल टर्म होना चाहिए या फिर वहाँ पे हैवी मॉनिटरी वहाँ पे पेनल्टी लगानी चाहिए.
तो जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली एंड इक्विटेबली। एनवायरमेंटल क्राइम्स भी सीरियस इन नेचर हो सकते हैं और इन मैटर्स को भी लाइटली नहीं लेना है। तो जस्टिस जो देना है वो क्विक होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। तो अभी ये न्यूज़ इसलिए है बिकॉज MOEFCC ने अभी कुछ अप्रूवल दिया है यहाँ पे, जो सर्टेन सेक्शंस है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के उसको लेस थ्रेटनिंग बनाने की बात किया है। कि जैसे पहले वहाँ पे जेल टर्म होता था उसके बजाय अब वहाँ पे एक पेनल्टी लगेगा, मॉनेटरी एक पेनल्टी वहाँ पे लगेगा। इंडिया का जो लेजिस्लेशन है एनवायरमेंट का वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो लॉज है उससे डिराइव होता है, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर का एक्ट, देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना है। जो वॉयलेटर होता है उसको पनिशमेंट का मैकेनिज्म भी यहाँ पे प्रोसेस है। प्रोविज़न है जेल टर्म का टू एक्सटेंड 7 ईयर्स। तो अब जो नया अमेंडमेंट है उसमें ये लिखा है कि जैसे जो जेल टर्म है बिकॉज जो पनिशमेंट होता है दिस शुड एक्ट एज अ डेटरेंस, फियर होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट का। बट अगर सिंपल वॉयलेशन है तो सिंपल वॉयलेशन में जेल टर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से रिजिक किया गया है यहाँ पे पनिशमेंट के डिफरेंट क्राइटेरियाज को। वहाँ पे आप कुछ मॉनेटरी फाइन लगा दो, कोई बहुत सीरियस एनवायरमेंटल क्राइम है जैसे आपने ग्रेव इंजुरी किया है, डेथ किया है, तो इससे आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा इंडियन पिनल कोड के तहत। कई बार एनिमल क्रुएलिटी भी होता है तो इसमें एक एडजुडिकेशन ऑफिसर का भी पोस्ट बना रहे जो एनवायरमेंटल रिलेटेड जो क्राइम्स है उसको देखेगा, पेनल्टीज को डिसाइड करेगा, और एक फ़ंड भी बनेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। फिर इसमें कितना फ़ाइन देना है, जैसे कई बार लाख रुपीज़ तक भी फ़ाइन जा सकता है, 5 करोड़ रुपीज़ तक भी फ़ाइन जा सकता है, और ये फ़ाइन सीधा आएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में, और इससे फिर फर्दर और एनवायरमेंट कंजर्वेशन एफर्ट में जो फाइनेंशियल नीड्स होगा वो यहाँ से फुलफिल होगा। दिस इज़ द प्रोसेस। तो अभी ये प्रपोजल है, लेट अस वेट, पब्लिक डोमेन पे आया है, फीडबैक मांगा गया है, लेट अस सी। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम वुड कंटिन्यू टू इनवाइट एग्जिस्टिंग पीनल प्रोविजंस। तो जो क्राइम रिलेटेड है जो पेनल्टी है उसको डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, मोर ऑर लेस अभी भी वैसा ही होगा, बट कुछ केसेस में जो जेल टर्म है उसको रिप्लेस किया जा रहा है दिस मॉनेटरी फाइन में। तो द होल आइडिया इज़ कि जो एनवायरमेंटल क्राइम्स हैं इसको भी हम देखें सिंसियरिटी एंड दिस अटमोस्ट अर्जेंसी से, फास्टर रिड्रेस हो एनवायरमेंटल फाइन्स का, जो जस्टिस है कोर्ट्स हैं वो भी इसको टाइम पर डिलीवर करें। बिकॉज अभी जैसे मॉनेटरी डिस्प्यूट्स होगा, फाइन लगाया है, ये कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट्स में एट टाइम्स वैसे ही ओवरबर्डनड है, डिले आएगा। इम्प्रिजनमेंट जो थ्रेट का था वो एक डिटरेंट होता था, लोग डर के मारे काम नहीं करते थे, तो ये जो डर है ये भी होना चाहिए, डर लॉ का, रूल ऑफ लॉ का। तो जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स जो हैं डिस्पेंस क्विकली हो और लॉ को एज एंड व्हेन जो रिक्वायर्ड है वैसा टिंकर करें। दिस इज़ डिसऑर्डरली एग्जिट, दिस इज़ ब्रेग्जिट। मिस्टर बोरिस जॉनसन का यहाँ पे दिस क्रिटिकल टेक लिया है। 2019 इलेक्शन के बाद जिस तरीके से ब्रेग्जिट हुआ वो भी बहुत स्मूथ तो नहीं था। ब्रेग्जिट का मतलब होता है जो यूनाइटेड किंगडम है उसने एग्जिट किया था, किससे एग्जिट किया था, यूरोपियन यूनियन से। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन यूरोपियन यूनियन EU, बिकॉज EU इज़ इम्पॉर्टेंट, EU के साथ हमारे टाइज भी अभी काफ़ी ऑन द राइज हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरो करेंसी क्या है, इसके चीफ का नाम बताइए, कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन क्या कोई ट्रेड पैक्ट है, कोई सिक्योरिटी पैक्ट है, वॉट इज़ दिस। ट्राई टू राइट अ वेरी प्रिसाइज एंड शॉर्ट नोट ऑन यूरोपियन यूनियन। Then this is ending the Ukraine war in an imperfect world. But the problem now is that the conflict is being cast in binaries, making compromise difficult. See, if you remember, जब से Ukraine war start हुआ, refer to say that videos, उस time के videos, every day मैंने आपको क्या बताया था, ये जो चीज़ होती है, world events होती है, ये binaries में नहीं होती। या ऐसा नहीं होता कि ये black है, ये white है, ये truth है, ये false है। हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है। प्लस यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है इसमें भी ये नहीं है कि रशिया इज़ अ विलन, यूक्रेन इज़ अ विलन, रशिया इज़ अ हीरो, यूक्रेन इज़ अ हीरो, नेटो यहाँ पे सेवियर है, US का जो स्टैंड, कुछ भी चीज़ बाइनरी नहीं होती है, लेयर्स एंड सो मैनी लेयर्स। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो एंटायर वॉर था और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आए, तो जैसा हमारे EAM मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंड रहा है, हम इंडिया फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पर दिस डिसीजंस लेते हैं।
वी आर नॉट अ सपोर्टर ऑफ वॉर, वी आर नॉट अ सपोर्टर ऑफ वॉर। जो भी वॉर को समझता है वो कभी वॉर की एक्सपेक्टेशन, वॉर को डिमांड नहीं करता है, बिकॉज वॉर में कोई विनर नहीं होता, वॉर में सब लूजर्स होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। प्लस जिस जगह पर वॉर लड़ी जाती है वहाँ के लोग पे द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल केस इन हियर इज यूक्रेन, यूक्रेन पीपल, सीवियर डैमेज हुआ है, लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ, लाइफ लॉसेस, एवरीथिंग। सो ये जो वॉर है, ये वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर वन देखा, टू देखा, ये बहुत डिवास्टेटिंग होता है। तो एंडिंग द यूक्रेन वॉर इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। अब वॉर होता है, दो कंट्रीज फाइट करती हैं, फिर इसमें जैसे अलायंस सिस्टम होता है, फिर ये एक्सपैंड होता है, जैसे कि प्रीवियस वर्ल्ड वॉर्स में देखा, और प्लस एंटायर वर्ल्ड इसमें ग्रिप में आ जाता है। एंड जैसे अभी लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आ रहे हैं, क्रूड ऑयल का चैलेंजेस आ रहा है, इकोनॉमी रिसेशन में जैसी बातें आ रही है, ये सब साइड इफेक्ट्स हैं इस वॉर के। सो दैट इज़ वाई वॉर को एट द फर्स्ट प्लेस अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ बाइनरी भी नहीं होता है। सी 8 million, लुक एट द नंबर, 8 million आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड, कैजुअल्टीज हुआ, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ। तो अब ये इसका अकाउंटेबिलिटी कैसे सेटअप किया जाएगा, वापस नॉर्मलसी कैसे आएगा? $750 billion का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वापस टू बिल्ड द यूक्रेन, यूक्रेन इंफ्रा, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, देन इकोनॉमिक रिकवरी हुआ, इन्फ्लेशन रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड राइज हो रही है, एनर्जी प्राइसेस राइज हो रही है, कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का ट्रिगर हमने देखा कि रशिया ने डोनबास रीजन एंड यहाँ पर दिस अपना क्विक एक्शन लेने की बात की, बट जो प्रेजेंट इवेंट्स होती है इसका एक हिस्ट्री होता है, और वो हिस्ट्री होता है से नेटो अलायंस में। नेटो जो था वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दिस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री अलायंसेस बना, रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया, बट नेटो एक्सपैंड कर रहा है, रशिया के डोर स्टेप्स तक पहुंच गया नेटो, तो रशिया एप्रिहेंसिव फील करने लग गया। ये चीज़ जर्मनी एंड यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी रियलाइज़ किया। सो दैट इज़ वाई जैसे जॉर्जिया को अब जब लेना था नेटो ग्रुप में, तो यहाँ पर जो जर्मन कंपनी जर्मनी या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको इतना एनकरेज नहीं किया, डिले करने की कोशिश किया। प्लस फिर इसके बाद जैसे क्रीमिया क्राइसिस हुआ, यूक्रेन के स्टेटमेंट्स आए, तो फिर ये जो क्लैश आज जो हुआ था ये इनएविटेबल नज़र आया। रियलिज्म, एक बात होती है कि ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होती है ये कभी डिलीवर नहीं करती। हिस्ट्री में तो ऐसा ही हुआ है कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कभी डिलीवर नहीं करती। जो एडॉल्फ हिटलर है वर्ल्ड वॉर टू के पहले बहुत 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 क्विकली ब्लिट्ज़क्रीग करते हुए, बहुत क्विकली एंड ओपनली जो 1919 वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटीज़ हुआ था उसको डिफाई करना चालू कर दिया। बट उस टाइम पे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इवन जो दूसरे यूएस के भी थे, वो विंस्टन चर्चिल ने भी कहा ये क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे थे, उस चीज़ को ओवरलुक कर रहे थे। एंड देन फिर 1939 पोलैंड के बाद फिर ये फुल फ्लेज्ड वॉर बना वर्ल्ड वॉर टू। तो ये जो थ्योरी ऑफ अपीजमेंट होती है, ये थ्योरी ऑफ अपीजमेंट ने एज सच कभी डिलीवर नहीं किया है। फिर यूएसएसआर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए, लिबरल अगर हम देखें ऑर्डर, जैसे नेटो का ही हम ऑर्डर देखें लिबरल वर्ल्ड में, तो अभी जो इवेंट्स हुए जैसे कोसोवो का इवेंट हुआ, अफगानिस्तान का इवेंट हुआ, इराक हुआ, लिबिया हुआ, सीरिया हुआ, कलर रिवॉल्यूशंस हुआ, Who's accountable for this? यहाँ पे भी millions and millions of people का life worst हो गया, उनको displace करना पड़ा, migration हुआ। So यहाँ accountability set करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी जो appeasement है, then इसके बाद realism, layers, etc. यहाँ लिखा है, NATO की membership, Donbass, अब ये end कैसे होगा? War start तो हो जाता है, but end कैसे होगा? Nobody knows. So let us see, world को यहाँ पर एक्टिवली यहाँ पर पीस डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। वॉर कभी भी बाइनरीज में नहीं होती है कि इट इज़ अ बैटल बिटवीन फ्रीडम एंड टायरनी, डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी, चॉइस बिटवीन रूल बेस्ड ऑर्डर एंड ब्रूट फोर्स। तो ऐसा बाइनरी में हम नहीं बात कर सकते यहाँ पे। लॉन्गर द वॉर उतना ही सफरिंग होगा। यूक्रेनियन जो पीपल हैं दे नीड वर्ल्ड का हेल्प, इनकी सफरिंग हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए वर्ल्ड को स्टेप अप करने की ज़रूरत है। द सूनर द वॉर seizes, the better it is for Ukrainians, Russians and the world. It is an imperfect world, but we do not have another. जो है यही है, okay? Then a community and a health issue of concern. यहाँ पे primarily बात किया है LGBTQIA+ community का।
सी, हमारे यहाँ जो बात होती है वो अक्सर हम बोलते हैं राइट टू डिग्निटी, डिग्निटी एंड ऑनर, सबको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है। जो डिस्पाइट जो सेक्शन 377 था, नालसा ने इस जजमेंट को हटाया, इसको हटाया, प्रोग्रेसिव मूवमेंट बताया, बट स्टिल जो दूसरे चैलेंजेस हैं LGBTQIA+ कम्युनिटी के, जैसे कि एक्सेप्टेंस, जैसे कि मेंटल इलनेस, जैसे कि स्टिग्मा एंड सफरिंग, इमोशनल क्राइसिस, अवेयरनेस, तो इन चीज़ों पे भी दे फेस सच टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया है, हेल्थ इश्यूज, मेंटल इमोशनल हेल्थ इश्यूज एज वेल। देन दिस इज शुड द ATP एंड WTA मर्ज, देन लो डाउन ऑन द लोज, रुपी एंड अदर, स्टेट लोन्स हैं, ग्लोबल पॉवर्टी है, वर्ल्ड हंगर है, मंकी पॉक्स के केसेस हैं और US में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। स्पाइस जेट और दूसरी एयरलाइंस के साथ प्रॉब्लम ये है, DGCA ने कहा कि सिक्योरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मिड एयर एक्सीडेंट्स जो हैं, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स मतलब कोई दुर्घटना नहीं हुई बट इट वॉज क्लोज, एक्सीडेंट मतलब देन इट इज़ एन एक्सीडेंट। तो सेफ्टी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेफ एफिशिएंट एंड रिलायबल एयर सर्विसेज वहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे एरर के मार्जिन्स नहीं होते हैं, एरर के मार्जिन्स नहीं होते हैं, सो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पे होना चाहिए। एक्सीडेंट वो होता है जहाँ पे पैसेंजर फैटली यहाँ पे इंजर हुआ है और एयरक्राफ्ट में भी स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। तो इस तरीके से कैटेगरी होती है कि सीरियस एक्सीडेंट है या कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे इंसिडेंट ऑफ बर्ड हिट हुआ फ्लाइट में बट कुछ डैमेज नहीं हुआ तो दिस इज़ एन इंसिडेंट। इस तरीके से एविएशन में इसके कैटेगरीज होती है। तो DGCA के रूल हैं, प्रॉपर चेक होना चाहिए एयरक्राफ्ट का और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। अब जैसे ये तो एविएशन था, अब ये बात है दिस जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं, हमारे अक्सर हम सोचते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी, कार जो होती है वो चीपर होनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ दिस एंटायर कार। अगर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब यहाँ लाइट वेट कर दिया गया है उसको, बट व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मतलब अगर इम्पैक्ट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो बॉडी फ्रेम ऐसा तो नहीं है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो जो अंदर जो है कार के उसकी लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो फ्यूल एफिशिएंसी इज़ नॉट एवरीथिंग, जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कार है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्लस चीपर कार इज़ अनदर थिंग, बट जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसमें एयर बैग्स होने चाहिए, जैसे कि उसमें EBD होना चाहिए। तो ये जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करती है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रपोजल है इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर असेसिंग वेहिकुलर सेफ्टी इन कोलिजन। अभी जो नॉर्म चलता है वो चलता है दिस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है क्रैश सेफ्टी व्हीकल का, इसमें टेस्ट किए जाते हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं ना कि NCAP में जैसे टाटा की दिस नेक्सॉन ने इतने स्टार लिए, काफ़ी सेफ कार माना गया है, ऐसे 4-5 स्टार्स लिए इस टाइप से। तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ये सेफ्टी डिसाइड कराता है कार का। प्लस अगर इसमें देखें ऐसा खुद का हमारा स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो, तो गडकरी साहब ने बोला भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हम लेके आएंगे, जिसमें हम खुद इंडियन रिक्वायरमेंट, इंडियन रोड कंडीशंस, इंडियन ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से पैरामीटर्स होंगे जो बताएंगे कि कार कितनी सेफ है। तो इसमें जैसे 5-स्टार पैरामीटर होगा, एडल्ट ऑक्यूपेंट, चाइल्ड ऑक्यूपेंट, सेफ्टी असेस टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू यहाँ पर हम उसको चेक करेंगे। लेट अस सी, दिस इज़ टू अर्ली, ये आने देते हैं, इसके बारे में हम और फिर बाद में बात करेंगे। बट अभी जो टेक है, डायरेक्शन वो ये है कि सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट, चाहे वो एविएशन हो या फिर वो ऑन रोड व्हीकल्स हो। इंटरऑपरेबल फाउंडेशन फॉर द मेटावर्स, नो योर इंग्लिश में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड ऑफिसर। किसी का पर्टिकुलर विभाग का कोई कर्मचारी है तो वो ऑफिशियल माना जाएगा कि वो ऑफिशियल है उस डिपार्टमेंट का। ऑफिसर लाइक मतलब वो वहाँ पे कोई ऑफिसर है, एज एन ऑफिसर वहाँ पे वर्क कर रहा है वहाँ पे, ओके, अधिकारी है वहाँ पे, ओके। तो ऑफिसर्स ऑफिशियल होंगे, ऑफिसर्स भी वहाँ के कर्मचारी हैं, तो ऑफिसर्स ऑफिशियल होंगे, बट रिवर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। जजमेंट दोनों स्पेलिंग करेक्ट है। रूरल एक न्यूट्रल टर्म होता है, रूरल इज़ अ न्यूट्रल टर्म, और जो रस्टिक होता है वो पर्टिकुलर केसेस में यूज़ होता है। जैसे रूरल में हम बोल सकते हैं आई लाइक दिस रूरल एटमॉस्फेयर, रूरल एटमॉस्फेयर मस्ट रिसीव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। रस्टिक जो होता है ये गुड और बैड सेंस दोनों हो सकता है। रस्टिक का मतलब हम सिंप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
रस्टिक का बैड सेंस भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हिज रस्टिक स्पीचेज अम्यूज द ऑडियंसेज, हिज रस्टिक मैनर्स हॉरिफाइड द हॉस्टेसेस. तो बोथ वेज, इट कैन गो बोथ वेज. ट्रिकल्ड इन का मतलब होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिसेमिनेट होगा. शी ट्रिकल्ड आउट ऑफ द होटल एंड लाइक ही ट्रिकल्ड इन टू द रूम वेन आई वॉज रीडिंग अ बुक. ओके, एंड कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, शी स्टॉर्म्ड इन, ही डांस्ड इन, ही वॉन्डर्ड इन. ओके, सो दिस इज इंग्लिश. ऑल राइट, ऑफन में टी यूजली साइलेंट होता है, हम ऑफन बस बोलते हैं, ऑफन टी साइलेंट होता है. देन दिस इज अबाउट डिफेंस मिनिस्टर साहब, अभी अग्निपथ स्कीम के बारे में नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट में डिटेल में एक सारा ब्रीफ देंगे, सो लेट अस वेट एंड सी. देन दिस इज वीवो, ये है ड्रैगन फ्रूट जिसको गुजरात गवर्नमेंट ने कमलम भी बोला था, कमलम लोटस. ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो गुजरात हरियाणा गवर्नमेंट इसको सुपर फ्रूट की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कंजम्पशन हो. तो न्यूट्रिशनल भी है, प्लस दिस इज़ गुड फॉर लाइक जो वेजिटेबल्स, इनकम एट्सेट्रा भी यहाँ पे बराबर होगा. सो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन. सी, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, कैलोरीज हैं इसमें, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड जिंक, तो इसको सुपर फ्रूट कहा गया है. यहाँ पे ICAR ने भी कहा है कि ये जो फ्रूट है इसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, तो लाइक दिस एरिड कंडीशन में भी ये बहुत इजीली सर्वाइव कर पाएगा, वाटर का रिक्वायरमेंट कम है, तो दैट इज़ वाई विन विन सिचुएशन. छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है प्रोजेक्ट्स एजुकेशन को रिवैम्प अप करने का. Too early to gauge BA2, BA.2.75 variant of COVID. यहाँ क्या है, this is normalcy return. Tribal women catching fish. ये water hole है, flood water यहाँ पे आया है. This is Kamrup district of Assam. पिछले कुछ टाइम से असम battle कर रहा था floods से, floods. Then this is Brexit, next Prime Minister of UK कौन होंगे. This is employee perks free from GST. Employees को कई बार perks मिलते हैं, जैसे कुछ आपको incentives मिल गए etc. उसमें GST नहीं लगेगा, ये यहाँ पे clear किया है. RBI measure करेगा this overseas fund के inflow को. LIC premium dips. RBI moves to stabilize rupee, economic hurdles. GST invoice turnover 5 करोड़ तक जाएगा. And this is sports. All right. So this is today's newspaper. This is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.